हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे अपने घर पर और अच्छे होंगे। आज हम रेजन आर्ट करने वाले हैं। ये सारा इसका सामान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक सामान खोल के दिखाऊंगी। ये हमारे रेजन है आर्ट है और ये हमारा रेजन है और ये इसका हार्डनर है, दोनों ठीक है। ये कुछ मैं स्पार्कल्स लेकर आई थी, ये बोटल्स हैं, ये इसमें स्पार्कल हैं, देखिए दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। ये बोटल्स हैं छोटी छोटी, उससे तो निकल ही नहीं रही। ये देखिए छोटे छोटे स्पार्कल्स की बोटल्स हैं, ये हमारे ड्राइंग के लिए काम आएगी, रेजन वर्क के लिए काम आएगी। देखिए ये इसमें देखिए गाइस, ये बैंगल बनाने के लिए मोल्ड है। ये छोटे छोटे मोल्ड हैं और ये मे बी इससे इयरिंग, मैं तो इयरिंग बनाने की सोच रही हूँ, अब देखते हैं। बाकी मुझे यूज़ का नहीं पता, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। ये स्पार्कल आए थे इसी के अंदर और ये कीचेन के मोल्ड हैं और देखिए ये भी कीचेन के ही मोल्ड हैं। ये लंबे वाले हैं, वो चौड़े वाले थे और ये इसमें कुछ ड्रॉपर्स आए हैं ठीक है। और ये कीचेन अंदर रह गया था, कीचेन वाला मोल्ड अंदर रह गया था। बाकी ये इसके स्क्रू हैं गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर के इसके अंदर ठीक है। और इनका भी यूज़ का नहीं पता, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं, तो देखते हैं अब क्या है क्या नहीं है। मे बी ये इसको कीचेन में स्क्रू करने के लिए होगा, ये होल करने के लिए होगा। ये रिंग के लिए मोल्ड है और ये मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ये किसके लिए है, इसका मुझे नहीं पता। ये स्पून और कुछ मिक्स करने के लिए वो आए थे, ये सारा इसके अंदर सामान आया था। आइए गाइस अब इसको ट्राई करते हैं। देखिए ये हमारा रीजन है और ये हमारा हार्डनर है, इनको हमें 3:1 रेशो में लेना है। अगर ये हम 30 ग्राम ले रहे हैं तो इसको हमें 10 ग्राम लेना पड़ेगा ठीक है। और अब रेजन का वर्क हमें कैसे करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से खुले प्लेस में, बंद कमरे में इसको बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना है बिल्कुल भी। और अपने हाथ पे ग्लव्स पहने और मास्क, अगर आप लगाना चाहते तो आप मास्क लगाएं और नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, पर मैं तो ये बोलूँगी आप लगाइएगा ठीक है। आइए अब इसको ट्राई करते हैं, इसकी रेशो लेते हैं। देखिए मैंने ये 2 कप लिए हैं, बाकी मेरे को यूज़ तो 1 का ही है पर मैंने 2 लिए हैं क्योंकि नहीं आए तो दोबारा दूसरे में कर लूँ। इसी के अंदर मैं हार्डनर डालूंगी और इसी के अंदर रेजन डालूंगी, 1 ही कप के अंदर ठीक है। आप मेज़र कैसे करते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि हमें 3:1 रेशो में लेना है ठीक है। तो मैंने ये वेट मशीन ली है, इसके ऊपर मैं कप को रखूंगी और मैं अब अपना रेजन इसके अंदर डालूंगी और फिर उसके बाद इसको डालूंगी। जो इसमें रेशो दे रखी है आज हम पहले वही करेंगे, 3:1 मतलब 30 ग्राम हम इसको लेंगे और 10 ग्राम हम हार्डनर लेंगे ठीक है। आइए इसको ट्राई करते हैं। ये मैंने वेट मशीन ऑन कर दी है, ये मैंने इसके ऊपर बाउल रखा है, रीजन की बोतल को लीजिए गाइस। मैंने दोनों बोतल की सील ओपन कर लिया है, मैंने ग्लव्स वियर कर लिए हैं, अब हम इसको मिक्स करते हैं। देखिए इस पर मैंने ये कप रखा है, अब इसके अंदर मैं 30 ग्राम रेजन डालूंगा ध्यान से और आराम से। अब इसके अंदर हम हार्डनर डालते हैं। ये हमने दोनों सॉल्यूशन ले लिए हैं, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स करना है और ध्यान से, इसके अंदर बबल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से करें मिक्स इसको 2-3 मिनट तक। और जो मैं रेजन आर्ट के मोल्ड के अंदर इसको डालूंगी वो मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी, तो प्लीज़ गाइस स्टे कनेक्टेड विद मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।